आपको बताएंगे तेजपत्ता का प्लांट कैसे लगा सकते हैं, वो भी गमला में आसानी से केयर के बारे में बताएंगे और किस चीज़ में लगा सकते हैं, कितना बड़ा कंटेनर होना चाहिए और इसका प्लांट आपको कहाँ मिलेगा और किस विधि से आप ये प्लांट बना सकते हैं और लगा सकते हैं और ये कितना दाम में आपको मिलेगा और ये कहाँ मिलेगा, ये सब बारे में बताएंगे और ये कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, किस महीने में लगा सकते हैं और ये क्या क्या चीज़ से इसका लगता है, कटिंग से और बीज से कैसे लगाया जाता है, ये सब बारे में सारे चीज़ के बारे में बताएंगे। जैसे ही आप मेरे वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ऐसा मैं वीडियो बार बार लाता रहता हूँ। ऐसे तो इसका प्लांट आपको कहीं भी किसी नर्सरी में मिल जाएगा, ये फरवरी मार्च में लगाया जाने वाला प्लांट है, आप दिसंबर में अभी मिल जाएगा सभी नर्सरी में, आप इसे अभी भी लगा सकते हैं क्योंकि नवंबर दिसंबर में ये प्लांट आ जाता है अपने यहाँ और पूरा बिहार भारत जहाँ पे आप खोजिएगा इसका प्लांट काहे ना काहे आपको इसी महीने आएगा और सबसे ठंड के मौसम में ये लगाया जाना बहुत आसान हो जाता है और आप लगाइएगा तो फरवरी मार्च में ये जाके क्लोजर देना स्टार्ट कर देगा, कोमल कोमल पत्ती आना स्टार्ट हो जाएगा और इसे इस गमले में लगाना चाहिए, इसे 20 इंच के से कम के गमले में नहीं लगाएं, इसे 20 इंच के ऊपर ही वाले ही गमले में लगाएं क्योंकि ये प्लांट जितना सरवाइव करेगा और जितना बड़ा बनेगा उतना ही इसमें अच्छा पत्ता देगा और पत्ता देने के लिए वर्मी कंपोस्ट जितना हो उतना ही दे सकते हैं। जैसे ही वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करेंगे तो ये प्लांट चलने लगेगा और नीचे जड़ जो है मैंने प्लांट निकाल दिया था अपने गमला में से और जो वो बॉल मिला था वो बॉल को निकाल दिया और ऐसे ही निकाल दिया हूँ और ये वो पन्नी नीचे से हटा देंगे और इसे गमला में जो भी चीज़ में लगाना है, देखिए कितना सारा रूट बॉन्ड हो गया था और कितना प्लांट है, ये मैंने इसे 50 रुपये में ख़रीद के लाया था, अभी किसी भी नर्सरी से 50 या 100 या 150 तक ला सकते हैं क्योंकि जितना बड़ा प्लांट होगा उतना ही दाम होता है, आपको 20 या 25 रुपये में भी मिल जाएगा, पिछले साल 30 रुपये इसका ही दाम था क्योंकि वो ऐसे ही लूज पन्नी में था, लूज पन्नी में कलम मतलब बन के आया था और वो प्लांट था तो वो थोड़ा कम रहता है और इसका एक गड्ढा खन ले अगर आपको ज़मीन में लगाना चाह रहे हैं तो, और उसमें वर्मी कंपोस्ट और जो NPK 1919 वो 2 चम्मच डाल दें और इसमें थोड़ा नीम के एक का खली दे सकते हैं और नीम वाले अगर आपके पास है 1-2 बूंद डाल सकते हैं, ऐसे आप इस पे कोई दूसरा खाद भी प्रयोग कर सकते हैं जो भी आपके पास खाद हो, यूरिया और DAP का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसे सीधे स्ट्रेट लाइन में लगाएं और इसे गमला में लगाना है तो इसमें 85% मिट्टी रखे जिसमें सबसे ज़्यादा हो वो ऐसा सॉइल जो इसको नॉर्मल मिट्टी में हो जाए, मतलब ये आप कंटेनर गार्डनिंग करना चाहते हैं तो इसमें वैसा सॉइल डालें जो इसका मॉइस नहीं ज़्यादा पानी हो, उतना ज़्यादा पानी मॉइस भी नहीं चाहिए लेकिन पानी मॉइस चाहिए, मतलब ज़्यादा रूट रॉट हो जाएगा तो वो भी दिक्कत है, इसीलिए नीचे होल कर दे, 2-3 होल रहेगा तो आराम से पानी निकलते रहेगा और इसमें कम से कम प्लांट में पानी दे क्योंकि ज़्यादा पानी इसमें नहीं चाहिए लेकिन इसका मिट्टी भिजा रहे ऐसा पानी देना होगा, इसके लिए आप मिट्टी 85% और 25% वर्मी कंपोस्ट मिला के और उसमें नीम केक या जो भी खली आता है वो सब मिला के आप डाल सकते हैं जो आप प्लांट में देना चाहते हैं, थोड़ा इसमें खाद ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उतना ही ज़्यादा इसमें आएगा। देखिए जब हम मैंने एक ज़मीन में लगा दिया हूँ और इसमें बहुत सारा वर्मी कंपोस्ट मिला दिया था और ये बहुत बड़ा प्लांट बनाना है इसीलिए, और इसके बगल में एक प्लांट लगा दिया हूँ जो कि नीम का प्लांट है, उसी के नीचे छाया में रहेगा, छायादार इसको मौसम चाहिए और इसे पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं हो इसलिए छायादार मौसम में ये आराम से चलने लगता है और सर्वाइव भी करने लगेगा और जैसे ही इसका प्लांट आगे बढ़ने लगेगा तो हम वीडियो बना के बताएंगे। ऐसे इसे ढक दिया हूँ एक टोकरी लेके क्योंकि इससे कोई भी जानवर इधर उधर ना करे और नहीं